तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर को अब भी नहीं मिली है बेल। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री, मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें ड्रग्स के कनेक्शन बहुत दिनों से पनपे जा रहे हैं, और वहीं एक और बड़ा नाम सामने आया था, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। लेकिन उसके बाद एनसीबी ने उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं दर्ज किया है और ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी है। यानी दीपिका पादुकोण तो है निर्दोष, लेकिन उनकी मैनेजर का बहुत ही गहरा कनेक्शन मिला था ड्रग इंडस्ट्री से। लेकिन अगर हम बात करें ड्रग्स कंजम्पशन की, तो बहुत ही लीगल तरीके से मुंबई में आजकल ये चीजें हो रही हैं, और उसी केस में उनकी मैनेजर को कर लिया गया था गिरफ्तार, जिनकी बेल की अर्जी भी डाली गई थी, लेकिन उनकी बेल की अर्जी को कर दिया गया है खारिज। तो आखिरकार कब उनको मिलेगी बेल और कब वो मीडिया के सामने आकर अपना कोई स्टेटमेंट रख पाएंगी? क्योंकि उनका कहना यह है कि इनका कनेक्शन ड्रग्स से काफी ज्यादा पाया गया है, और आगे भी हमारे पास काफी सारे एविडेंस हैं जो इनको गलत प्रूफ करने के लिए काफी हैं। लेकिन अभी तक इस पर दीपिका पादुकोण या रणवीर सिंह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, और आजकल जैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को साफ सा ही सूंघ गया है, क्योंकि ड्रग्स के मामले पर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस खुलकर बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार दीपिका पादुकोण की मैनेजर को और कितना टाइम बेल नहीं मिलेगी, और अगर उन्हें बेल मिलती है तो उनकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? तो हमें जरूर बताइएगा और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बॉलीवुड की हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।